डिस्कस दिस 2021 स्लॉट वन का राइट सेट टू, ठीक है सेट टू, ठीक है चलिए सो डिस्कस करते हैं। हियर इज अ सेट ऑन योर स्क्रीन, हियर इज सेट ऑन योर स्क्रीन। क्या बोला है, रवि वर्क्स इन एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी, आफ्टर ईच डिलीवरी कस्टमर्स रेट रवि ऑन ईच ऑफ द फोर पैरामीटर्स, बिहेवियर, पैकिंग, हाइजीन एंड टाइमलेसनेस, ना टाइमलीनेस सॉरी। तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 9, तो जैसे ही हम लोग जोमेटो होता है राइट, स्विगी होता है, हम लोग रेट करते हैं, तो वैसे ही रवि इज वर्किंग विद एन फूड डिलीवरी कंपनी। अब ही इज गेटिंग रेट ऑन द रेटेड ऑन द फोर पैरामीटर्स राइट, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 9। इफ द टोटल ऑफ द फोर रेटिंग पॉइंट्स इज 25 और मोर, देन रवि गेट्स बोनस ऑफ 20 फॉर दैट डिलीवरी। मतलब अगर सबका रेटिंग मिला गया राइट, है ना, चारों लोगों का रेटिंग मिला के, ठीक है, अगर आपका 25 के पॉइंट्स ऊपर गए हैं तो आपको 20 रुपीज़ का बोनस मिलता है, ठीक है। एडिशनली अ कस्टमर मे और मे नॉट गिव रवि अ टिप, इफ कस्टमर गिव्स द टिप इट इज ईदर 30 or 40, तो कस्टमर कैन गिव अ टिप ऑफ 30 or 40 रुपीज। वन डे रवि मेड फोर डिलीवरीज, वन टू ईच अटल, है ना, बिहारी, चिराग, दीपक, एंड रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 120 इन बोनस एंड टिप्स, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक दिन उसने चार डिलीवरीज करी हैं, तो अटल, बिहारी, चिराग एंड दीपक, इन चार लोगों को डिलीवरी करी एंड मिला के उसको 120 रुपये मिला राइट, 120 रुपीज़ ही रिसीव्ड इन टोटल, ठीक है फाइन। सो सी 120 रुपीज़ ही रिसीव्ड इन टोटल, इट डिड नॉट गेट बोथ बोनस एंड अ टिप फ्रॉम सेम कस्टमर। तो बोनस एंड टिप फ्रॉम सेम कस्टमर नहीं मिला उसको, मतलब किसी से बोनस मिला होगा, किसी से टिप मिला होगा राइट, है ना, किसी से बोनस मिला होगा, किसी से टिप मिला होगा, ठीक है। तो वी नो कि हियर वी नीड अ टेबल, सो टेबल वी नीड इज समथिंग ऑफ दिस काइंड राइट, है ना, समथिंग ऑफ दिस काइंड, ए बी सी डी, अटल, बिहारी, है ना, सी दैट इज, है ना, अटल, बिहारी, है ना, चिराग एंड दीपक, ए बी सी डी बोल दिया, उसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स एंड टिप किसके पास से मिला एंड बोनस किसके पास से मिला राइट। तो दिस दिस इज द टेबल दैट वी नीड, है ना, दिस काइंड ऑफ टेबल इज वॉट वी नीड टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नीट लगे इसने, मैंने ड्रॉ कर लिया है। इन टाइमलीनेस रवि रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 21 पॉइंट्स, ठीक है, तो इन टाइमलीनेस रवि रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 21 पॉइंट्स, ठीक है फाइन। तो टाइमलीनेस में उसको टोटल, टाइमलीनेस में उसको, अच्छा टोटल मैंने नहीं लिया राइट यहाँ पे, ठीक है। तो एक और हम लोग कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लूँ, टाइमलीनेस का टोटल कितना है उसका 20 राइट, है ना, टाइमलीनेस का टोटल कितना है 21, अब क्लियर विद दिस, ठीक है। एंड थ्री ऑफ द कस्टमर्स गेव हिम द सेम रेटिंग इन दिस पैरामीटर, अटल गेव इन द हाईएस्ट हायर रेटिंग पॉइंट्स देन बिहारी एंड चिराग। तो मतलब इस 21 में कोई भी तीन का रेटिंग सेम है एंड अटल का क्या है, हाईएस्ट है, तो दैट मीन्स कि एक अटल को छोड़ के बाकी सब लोगों का रेटिंग सेम होगा एक्स एक्स एक्स, है ना, यस। एंड हमको पता है कि राइट दिस वाई एंड अदर 3x दैट इज इक्वल टू 21, दैट इज इक्वल टू 21 सी। तो अब ये लाने की पॉसिबिलिटी कैसी है मेरे पास, ये लाने की राइट, आई नीड दीज थ्री वैल्यूज टू बी सेम 21, तो इनका एडिशन 21 कैसा हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 5 5 एंड 5 रखा, बिकॉज वी नो दैट कि y इज ग्रेटर देन x राइट, है ना, ये y की वैल्यू ग्रेटर देन x होनी चाहिए, 5 15 15 एंड 6, दिस इज द पॉसिबिलिटी 21। वॉट कैन बी दी अदर पॉसिबिलिटी, कि मैं इन सबको 4 4 एंड 4 रखूँ, 4 3 12, 12 एंड 9 दैट इज 21। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, अगर मैं 3 3 3 रखूँगा तो 9 के ऊपर तो रेटिंग ही नहीं मेरे पास, बिकॉज स्केल कितना है मेरा, 1 to 9 का स्केल है राइट, आई कैन गिव मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 पॉइंट्स, है ना। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर 21, दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर 21, यस और नो, ठीक है। रवि रिसीव्ड अ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रेटिंग, मतलब क्या, इन पैकिंग, कि चारों के चारों कस्टमर से उसको अलग अलग रेटिंग्स मिली है, टोटल इज 29, तो पैकिंग का टोटल इज 29 एंड फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स ही रिसीव्ड अ डिस्टिंक्ट रेटिंग। तो 29 दैट मीन्स कि अगर कोई एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो ये डी होगा राइट, ए बी सी डी चारों वैल्यूज अलग अलग हैं एंड टोटल इज 29 एंड टोटल इज 29, अब क्लियर हो दिस, है ना, वेरी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सब कुछ गिवन है,
सिमिलरली रवि रिसीव डिस्टिंग रेटिंग्स एंड हाइजीन ऑल्सो फ्रॉम द कस्टमर 26 पॉइंट है ना, हाइजीन ऑल्सो कस्टमर टोटल कितना है 26 पॉइंट है ना, हाइजीन ऑल्सो कस्टमर टोटल कितना है 26 पॉइंट्स. आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, यस फाइन. तो इसमें भी सारे के सारे यूनिक रेटिंग है ना, इसमें भी सारे के सारे यूनिक रेटिंग है. लेट अस से पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस चारों चारों यूनिक रेटिंग है राइट, अलग अलग रेटिंग्स है. ठीक है फाइन. चिराग गिव द सेम रेटिंग पॉइंट्स फॉर पैकिंग एंड हाइजीन. तो चिराग का सॉरी जो पैकिंग एंड हाइजीन है वो सेम है. तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होगा है ना, दिस बोथ वैल्यूज आर सेम राइट, दीज बोथ वैल्यूज आर सेम. अमंग द फोर कस्टमर्स बिहारी गिव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकिंग है ना. तो बिहारी के जो हैं वो पैकिंग में हाईएस्ट होंगे ठीक है ना, बिहारी के जो पैकिंग में हाईएस्ट होंगे. चिराग गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स इन हाइजीन. चिराग गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स इन हाइजीन है ना. तो सी दैट मीन्स कि दिस इज हाई हाईएस्ट है, यस और नो? दैट मीन्स कि दिस इज हाईएस्ट है. अब सी नाउ दीज टू वैल्यूज आर सेम राइट, दीज टू वैल्यूज आर सेम. तो अगर तो व्हाट डज दैट मीन कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मैं इसको 9 9 दे सकता हूँ आर को? नो. अगर मैंने इसको 9 दिया दोनों को 9 9 तो ये तो हाईएस्ट हो जाएंगे, बट फिर बिहारी का यहाँ पे हाईएस्ट नहीं हो पाएगा राइट है ना, फिर बिहारी को मुझे 9 से कम ही देना पड़ेगा. तो दैट मीन्स कि आर की जो भी वैल्यू होगी राइट, दैट मीन्स कि आर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 8 या 8 से कम होगी है ना, 8 और लेस, उससे लेस होगी बताओ, 8 या उससे कम, बिकॉज 9 तो हो नहीं सकती है ना. और अगर ये दोनों में से कोई भी मतलब दोनों 8 हुए तो बिहारी की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी राइट, बिहारी की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी. आप क्लियर विद दिस? बोले सुनो, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. सी दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब कुछ गिवन है ठीक है. एवरी वन रेटेड रवि बिटवीन 5 एंड 7 इन बिहेवियर राइट. तो बिहेवियर में अगर मैं देखूँ तो बिहेवियर में उसका स्कोर क्या है, या तो 5 या तो 7 है ना, दूसरा है ना 5 एंड 7 राइट है ना. तो बिहेवियर में क्या स्कोर मिला हुआ, या तो 5 या तो 6 या तो 7 राइट, इन तीनों में से कोई एक स्कोर मिला है. यूनिक मैक्सिमम यूनिक मिनिमम वेर द पैरामीटर्स बाय अटल एंड दीपक है ना. तो मतलब कि अटल ने उसको मैक्सिमम स्कोर दिया है, दीपक ने उसको मिनिमम स्कोर दिया है. अब ये यूनिक हैं दोनों, यूनिक हैं दोनों, उसका मतलब क्या हुआ, यूनिक है दोनों इसका मतलब क्या हुआ. सी मुझे पता है कि मैक्सिमम इन दिस केस इज 7, मिनिमम इन दिस केस इज 5. अब ये दोनों यूनिक है, मतलब कि दीस वैल्यूज कैन नॉट बी रिपीटेड इन बिहेवियर. तो दैट मींस कि बाकी की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 6. बाकी की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 6, बिकॉज वी कैन रेट इधर 5, 6 और 7 ओनली. तो दैट मीन्स टोटल इज हाउ मच, दैट मीन्स द टोटल ऑफ बिहेवियर इज हाउ मच, 6 6 6, 12 12 एंड 7, हाउ मच इट इज 19 एंड 5 20 राइट, 24. इंडिविजुअल पैरामीटर्स है ना भाई, मान लो कि है ना, जैसे कि ये हाईएस्ट है, अगर ये हाईएस्ट है तो पैकिंग में बिहारी का रैंक कौन सा होगा, फर्स्ट है ना. अगर ये हाईएस्ट है तो मतलब कि बिहारी का पैकिंग में रैंक कौन सा होगा, फर्स्ट है ना. अगर ये हाईएस्ट है तो हाइजीन में चिराग का रैंक कौन सा होगा, फर्स्ट है ना. जिसने जितनी ज्यादा रेटिंग दी उसका उस पैरामीटर में उतना हाई रैंकिंग. देन अटल्स रैंक बेस्ड ऑन पैकिंग इज सेम एज बेस्ड ऑन हाइजीन. मतलब क्या, मतलब क्या कि अटल का है ना, अटल का इन दोनों का जो रैंक है वो सेम है ना. अटल में अटल का पैकिंग एंड हाइजीन का रैंक, सी वैल्यू सेम नहीं है, रैंक सेम राइट है ना, वैल्यू सेम नहीं है, रैंक सेम है, ध्यान रखना. दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीपक. मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीपक. व्हाट डज दैट मीन कि दीपक का भी है ना, दीपक का भी हाइजीन एंड पैकिंग में रैंक सेम है. बोलो इतना डेटा है हमारे पास. चलो तो अब जो बच रहा है वो खेल बच रहा है 29 एंड 26 का. तो सी 29 में कैसे ला सकता हूँ है ना. सी मुझे पता है अगर मैं 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 करूंगा तो कितना बनेगा, सी वो 9 एंड 8 17 17 एंड 17 24 एंड 6 30.
मुझे 30 से एक कम चाहिए है ना, तो मुझे 30 से एक कम चाहिए फाइन। तो अगर मैं 30 से एक को किसी को कम कर दूं राइट है ना, 30 से मैं अगर किसी एक को कम कर दूं, तो मान लो कि मैंने 30 में से कोई एक वैल्यू कम कर दी कि मैंने इसको 5 कर दिया। अब बोलो सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया कि 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 तो 29 नहीं बनेगा राइट, 29 नहीं बनेगा। तो चेक कर लो 29 बनने का एक ही पॉसिबिलिटी है, 29 बनने का एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5। अब मुझे पता है कि हाईएस्ट जो रेटिंग है वो किसके पास है, हाईएस्ट जो रेटिंग है पैकिंग में किसके पास है, इसके पास है। तो दैट मीन्स कि 9 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, 9 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा राइट, जाएगा कि नहीं आएगा बताओ है ना। तो दैट मीन्स कि 9 ग्रेड पॉइंट्स इसके पास चले गए नहीं चले गए, ठीक है। तो 9 चला गया, बाकी किसी ऑर्डर में मुझे 8, 7, 6 देना है, ठीक है। अब सी तो 9 की जो रैंकिंग होगी वो फर्स्ट, 8 वाले की रैंकिंग सेकेंड, थर्ड इसकी रैंकिंग एंड फोर्थ इसकी रैंकिंग राइट, रैंकिंग वाइज में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रैंकिंग भी पता करनी है हमको, ठीक है। अब आते हैं 26 पे। तो 26 मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, 26 मल्टीपल वे से क्रिएट हो सकता है राइट है ना। तो सी 26 को हम लोग क्या 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 क्रिएट कर सकते हैं, 8 और 7 15 15 और 11 हो सकता है राइट है ना। दूसरा क्या तरीका है बताओ, क्या मैं 26 में कहीं पर भी 9 दे सकता हूँ, 26 वाले में कहीं पर भी 9 दे सकता हूँ, नहीं। बिकॉज अगर यहाँ पे 9 दिया है तो अगर मुझे 9 देना है तो एक ही पॉसिबिलिटी 9 यहाँ पे दे सकता हूँ, बट 9 तो मैं दे नहीं सकता, बिकॉज अगर यहाँ 9 दिया तो मुझे यहाँ भी 9 देना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 9 वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, 9 वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि 26 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स कि 26 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। सो अगेन 26 वाले केस में भी रेटिंग क्या बन गई मेरी, दिस इज द फर्स्ट रैंक, दिस इज द सेकेंड रैंक, दिस इज थर्ड रैंक एंड दिस इज फोर्थ रैंक। अब क्लियर हो दिस, टेल मी यस ऑर नो। अब मुझे पता है कि इसका जो भी होगा वो हाईएस्ट होगा और ये दोनों सेम वैल्यूज होंगी। तो हाईएस्ट इस केस में कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है, हाईएस्ट इस केस में कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है, टेल मी आ रहा है। तो इधर से मैंने 8 भी दे दिया, तो 8 में रैंकिंग कौन सी बनेगी इसकी, 8 में रैंकिंग कौन सी बनेगी इसकी, सेकेंड रैंक बनेगी 8 में। आवे क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, आवे क्लियर विद दिस, ये फंडामेंटल क्लियर है यहाँ तक है ना, ये फंडामेंटल यहाँ तक, सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन राइट, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज 9 ओके है ना, बिकॉज 9 और पी के बीच में आप डिफरेंस कर सकें, ठीक है, 9 और पी के बीच में आप डिफरेंस कर सकें ना, दिस इज 9 एंड क्यू सॉरी ओके। आवे क्लियर विद दिस, ठीक है। अब सी मैं फर्स्ट और सेकेंड रैंक दे चुका हूँ, दैट मीन्स कि इसकी जो रैंकिंग होगी वो या तो थर्ड होगी या तो फोर्थ होगी है ना। तो अब इन दैट मीन्स कि अगर अटल की रैंकिंग थर्ड है तो दीपक की रैंकिंग दोनों में फोर्थ होगी या तो फिर थर्ड होगी, या तो फिर थर्ड होगी, बोलो यस और नो ओके। तो चलो हमने एक एक ट्राई करके देखा है ना, हमने एक एक ट्राई करके देखा, मान लिया कि अटल की रैंक दोनों जगह पे थर्ड है या तो दोनों जगह पे फोर्थ होगी, दो ही ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अटल की रैंक दोनों जगह पे थर्ड है ना, सी अटल की रैंक, अगर मैं माना कि अटल की रैंक दोनों जगह पे थर्ड है तो अटल का स्कोर क्या जाएगा, अगर अटल की रैंक दोनों जगह पे थर्ड है तो अटल का स्कोर क्या बैठेगा। सी थर्ड मीन्स की पैकिंग में 7 एंड थर्ड मीन्स की इसमें 6 है ना, थर्ड मीन्स की इसमें 6। अब अगर इसमें मैंने अटल को दोनों में थर्ड रैंकिंग दी है तो मतलब कि दीपक के पास दोनों की फोर्थ रैंकिंग जाएगी है ना, दीपक की भी रैंकिंग सेम है। अब दीपक के पास अगर फोर्थ रैंकिंग गई है तो मतलब दीपक का स्कोर यहाँ पे क्या होगा, 5, एंड दीपक का स्कोर यहाँ पे भी कितना होगा, 5, टेल मी यस और नो है ना, दीपक का स्कोर यहाँ पे भी कितना होगा, 5। अब क्लियर विद दिस, अब क्लियर विद दिस, बोलो यस और नो, अब क्लियर विद दिस है ना, बताओ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। चलो देखो कितना बन सकता है, या तो फिर ये भी हो सकता है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर मैंने इसको, चलो देखो एक ये केस पहले देख लेते हैं फिर दूसरा केस देखते हैं राइट है ना, तो दूसरा केस देख सकते हैं। अब तो क्यू के लिए क्या बच गया, सी क्यू के लिए क्या बच गया यहाँ पे 6, क्यू के लिए क्या बच गया यहाँ पे 6। अब उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था कि बोनस कब मिलेगा,
है ना, बोनस कब मिलेगा? जब कोई स्कोर 25 के ऊपर जा रहा है, राइट, मोर देन 25 तो ही बोनस मिलेगा, मोर देन 25 तो ही बोनस मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं टोटल मारूं, टोटल मारूं कितना हो रहा है, सिक्स, तो पहले इसका मान चलो 7 एंड 7 14, 14 एंड 6 14 एंड 6 कितना हो जाएगा 20। अगर मैंने इसको मिनिमम 6 भी लिया, मिनिमम अगर इसको 6 भी लिया तो भी 26 हो जाएगा, ठीक है, तो भी 26 हो जाएगा। उसने क्या बोला है कि बोनस उसको दो ही बार मिल रहा है, राइट, है ना, बोनस उसको दो ही बार देना है मुझे, दो बार ज्यादा बोनस देना नहीं है, ठीक है। इसका टोटल मारे अगर 6 एंड 9 15 एंड 6 21 एंड 5 26, फिर से 26 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, 26 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ओके। 8 एंड 8 16, 16 एंड 6 16 एंड 6 22 एंड 5 27, तो मतलब कि ये केस तो नहीं बैठ रहा है, मतलब कि किस पर नहीं बैठ रहा है, बोनस तो मुझे दो ही देना है, मतलब कि 25 के ऊपर के स्कोर मेरे दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो दैट मीन्स कि हमने जो केस बनाया है वो नहीं बैठ सकता, राइट, दैट मीन्स कि हमने जो केस बनाया वो नहीं बैठ सकता, दैट मीन्स कि मुझे रैंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, राइट, है ना, दैट मीन्स कि मुझे इन दोनों की रैंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अटल को मुझे फोर्थ रैंक देना पड़ेगा, तो अटल को मुझे अगर मैं फोर्थ रैंक देता हूँ, अटल का पैकिंग में कितना जाएगा, 5, यहाँ पे कितना जाएगा पैकिंग में इसका, 5 जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, है ना, अटल को अगर मैं देता हूँ फोर्थ रैंक, राइट, है ना, ठीक है कि नहीं बताओ, अटल को अगर मैं देता हूँ फोर्थ रैंक, पैकिंग में इसका जाएगा 5 एंड इसका भी इधर जाएगा 5, तो दैट मीन्स कि दीपक के पास कौन सा जाएगा रैंक, दीपक के पास कौन सा रैंक जाएगा, थर्ड, तो थर्ड में यहाँ पे 7 है एंड थर्ड में यहाँ पे 6 है, तो इसके लिए कौन सा बच गया, 7th बच गया, है ना, के लिए कौन सा बच गया, 7th बच गया, आवे क्लियर विद दिस, है ना, आवे क्लियर विद दिस, बोलो सुनो। तो अब अगर इफ वी लुक एट द टोटल, है ना, अब अगर इफ वी लुक एट द टोटल, अब सी, अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि मुझे 21 को सेग्रीगेट करना है, बाकी सब सॉर्ट आउट हो गया, राइट, बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, तो 21 में भी दो ही केस है ना, 21 में भी दो ही केस है कि या तो मैं 4 4 9 लूंगा या तो 5 5 5 6 लूंगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, दोनों में से एक केस लेके देखते हैं कि 5 5 5 6 मैंने लेके देखा, अगर सारा क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो 4 4 4 9 लेके देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 5 10 एंड 7 17 एंड 6 23, है ना, टोटल कितना बन रहा है इसका, 23 बन रहा, नहीं बन रहा, ठीक है, हमको 25 के ऊपर दो ही टोटल चाहिए, राइट, 25 के ऊपर दो ही टोटल चाहिए, ध्यान रखना। तो 9 एंड 6 दैट इज 15, 15 एंड 5 20 एंड दैट इज 27, 8 एंड 8 16, 16 एंड 6 22 एंड 25 is 27, यस और नो, 7 5 एंड 5 10 एंड 7 17 एंड 6 23 बन रहा, नहीं बन रहा बताओ, है ना, बन रहा, नहीं बन रहा, 25 के ऊपर दो टोटल, मतलब कि दिस इज द क्राइटेरिया फॉर 21, 25 के ऊपर दो टोटल, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर 21, बोलो हाँ है ना। सी, जो भी उसने बोला था कि 25 के ऊपर होगा तो उसको 20 रुपीज का बोनस मिलेगा, 25 का टोटल रुपीज़ का 20 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, दैट मीन्स कि बाकी के दो लोग उसको टिप देंगे। अब टिप कितनी है, या तो 30 या तो 50, तो 30 या तो 50 दोनों में से 1 रुपीज़ की टिप मिलेगी, दूसरा उसको कितने टिप देगा, दूसरा कितने टिप देगा उसको, 50 या तो 30 रुपीज़, राइट, है ना, 50 या तो 30 रुपीज़, आवे क्लियर विद दिस, आवे क्लियर विद दिस, है ना, सी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको क्या पता था कि सबको मिला के 120 करना है। अब 120 कैसे होगा, 20 प्लस 20, तो दो बोनस मिलेंगे उसको, राइट, है ना, दो बोनस मिलेंगे उसको, एंड बाकी का एक 30 कहीं से टिप मिलेगा एंड एक कहीं से 50 टिप मिलेगा, तो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे उसके 120 बताओ, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे 120, सारे कैटेगरी सेटिस्फाइड, सारे कैटेगरी सेटिस्फाइड, यस और नो, सेटिस्फाइड, राइट। अब क्वेश्चन पाते हैं, देखो कितने क्वेश्चन इजी है, व्हाट वाज द मिनिमम रेटिंग रवि रिसीव्ड बाय एनी कस्टमर इन एनी पैरामीटर। तो सबसे कम रेटिंग अगर कहीं देख पा रहा हूँ कितने देख पा रहा हूँ, 5, सबसे कम रेटिंग अगर मैं देख पा रहा हूँ कितने देख पा रहा हूँ, 5, राइट, 5 से कम किसी का नहीं, राइट, मिनिमम रेटिंग इज 5। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु गेव द मैक्सिमम टोटल रेटिंग पॉइंट्स टू द रवि इज, है ना, तो मैक्सिमम टोटल रेटिंग पॉइंट्स किसने दिया है, चिराग एंड बिहारी दोनों ने सेम रेटिंग पॉइंट दिया है ना, चिराग एंड बिहारी दोनों ने सेम रेटिंग पॉइंट दिया, दैट इज 27, राइट। तो अटल की टाइमलीनेस में रेटिंग कितनी है, अटल की टाइमलीनेस में रेटिंग कितनी है, 6, है ना। द बेस्ट कैन कंक्लूड अबाउट द टिप फ्रॉम दीपक, हमको पता है कि दीपक कितने टिप दे सकता है, या तो 50 या तो 30, है ना, या तो 50 या तो 30, है ना। सी, 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चंस वाला सेट है,
इन विच पैरामीटर डिड अटल गिव द मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट्स टू रवि? तो अटल ने सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स रवि को कहाँ दिए हैं? बिहेवियर में दिए हैं, है ना, कहाँ दिए हैं? बिहेवियर में दिए हैं। व्हाट रेटिंग डिड दीपक गिव इन पैकिंग? व्हाट रेटिंग डिड दीपक, है ना, दीपक गिव इन पैकिंग, कितनी रेटिंग है? 7। बताओ, 6 क्वेश्चन, 3 मार्क, 18 कन्फर्म। सेट वन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बार चार्ट का एक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन वाला, कितने मार्क्स थे? 12। 30 मार्क, है ना, 30 मार्क्स, 97% कन्फर्म। मैंने ये भी दिखा दिया 2021 का स्लॉट वन करते तो भी बन रहा था इतना, 2022 का स्लॉट वन कर रहे हैं, स्लॉट टू कर रहे हैं तो भी बन रहा है। तो अभी तो ये स्लॉट टू के दो ही सेट्स हुए हैं, स्लॉट थ्री का तीसरा सेट, स्लॉट टू का तीसरा सेट देखना, वो 20 दिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन दबा दो फटाफट से, एंड वॉच मोर एंड मोर वीडियोस, एंड डू फॉलो मी ऑन अकेडमी। टिल देन हैव अ गुड डे।